पाई ढूंढ के गर्दन पूरा बैठ गया। सर ठीक है जरा ना सर, आपका नाम क्या है और आप ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा निकेतन जो विद्यालय चल रहे हैं इसमें क्या हैं आप? मेरा नाम हंसराज है जी। मैं पूर्व में प्रधानाध्यापक रहा हूँ जी, और रिटायर हम जो है 30 जून 2015 में रिटायर हो गया हूँ जी। जी, यानी ये विद्यालय जब बन रहे थे तो आपकी नहीं देखा इसको जी जी। 26 जनवरी 1978 में इसका शिलान्यास हुआ विद्यालय जी जी, और इसकी अस्थायी मान्यता जो है वर्ष 1979 में मिली जी जी। उसके बाद स्कूल का बिल्डिंग कमरे का निर्माण जो है ये मोदी साहब के द्वारा हुआ, इसकी अस्थायी मान्यता वर्ष 1984-85 में अस्थायी मान्यता मिली, और 2006 में ये संस्था ग्रांट इन एड में आ गया, वित्त पोषित हो गया जी जी। ये सरकार द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है और यह विगत लगभग 40 वर्षों से विद्यालय चल रहा था। उस समय ग्राम सभा थी, उस समय नगर निगम नहीं था जी, बहुत पुराना विद्यालय है जी। तो आज आपको कैसा लगा इस विद्यालय को तोड़ा गया? बहुत दुख हुआ है, यह इतना पुराना विद्यालय है और इसका जो क्षति हुई है कई लाखों का जी, जो एक एक पैसे दलित का स्कूल है, एक एक नया पैसा किसी तरह से विद्यालय को, जैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि ईंट जोड़ कर इन लोगों ने विद्यालय को खड़ा किया है, खड़ा किया लोगों के सहयोग से ये बनाया गया इसकी मान्यता। और पूर्वांचल में मात्र एक ही विद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ पर स्थापित है, आज इसकी दुर्दशा देख करके लोगों में काफी जो है दुख हुआ है, पूरे गोरखपुर शहर में जो लोग सुने हैं सभी लोग व्याकुल हो चुके हैं। इस बात का है कि ये मनुवादी सरकार घड़ियाली आंसू बाबा साहब के नाम पर, जयंती के नाम पर तरह तरह का घड़ियाली आंसू बहाती है और उसके जड़ खोदने में लगी, उसके विचारों को दफनाने में लगी हुई जी जी जी। एक तरफ जो है बहुत ही आक्रोश है और बहुत दुख भी है। GDA 6 महीने पहले आई थी, मार करके बस गई थी और कोई सूचना हमको नहीं दिया था, ना कुछ चस्पा किया गया यहाँ पे कोई सूचना। 6 महीने पहले आई थी, GDA ने आपसे क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था उन्होंने, बस नापा था और इस विद्यालय को और बोला था कि ये इतना GDA के अंडर में आ रहा है जी, और उसके बाद से मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कभी भी। तो आज की घटना मतलब आज जो है तत्कालीन इसको तोड़ दिया गया, तत्कालीन तोड़ दिया, विद्यालय समर वैकेशन चल रहा है जी, और फिर भी हमारे कर्मचारी दो यहाँ पर रहते हैं, मैं भी आती हूँ विद्यालय पे, ये 1:30 के बाद विद्यालय को तोड़ा गया, 1:00 बंद हो जाता है और ये 1:30 के बाद इसको तोड़ दिया गया। आए GDA पुलिस फोर्स आई है पूरी और मशीन वगैरह लेके आए हैं लोग और लगा करके धड़ाधड़ 10-15-20। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मनुवादी सरकारें, जिस तरह से BJP की सरकारें आई हैं, लगातार जो है अम्बेडकर भवन को गिराया जा रहा है, अम्बेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, और यहाँ तक कि अम्बेडकर के विद्यालय जो भी बाबा साहब के अम्बेडकर विद्यालय हैं उसको भी, प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, उन सबको बारी बारी से तोड़ा जा रहा है। और हमें लगता है गोरखपुर में योगी के गढ़ में सबसे पहले यहाँ के विद्यालयों को पहले तोड़ा गया है, और बाकी इस तरह से देखिए कई जगह विद्यालय इस तरह से अनुमान ऐसे लगाया था कि तोड़ा ही जाएगा।